हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास टू का हमने रिवाइज स्टार्ट किया था। पहले तो आपको मैम पढ़ाई थी, रिवाइज तो हम ले रहे हैं। रिवाइज में हम कुछ नंबर तक गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 तक पुनराभ्यास का, क्वेश्चन नंबर 10 तक रिवीजन चैप्टर का लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 बताए थे एक्सपेंडेड फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जस्ट अपोजिट शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, ये दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, कंटिन्यू आया है। कंटिन्यू जब आया है तो क्या करेंगे, खाली नंबर को हम लिख लेंगे। जैसे ये 3 है 3, 7 है 7 और 2 है 2। अब देखिए यदि डिजिट हमको कंटिन्यू नहीं आया हो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता 300 + 00 + 3, तब हम क्या लिखते, इसमें डिजिट तो है ही नहीं, तो डिजिट के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, जीरो बैठा देते हैं, जीरो और टू। जहां पर डिजिट नहीं रहता वहां पर हम जीरो बैठा देते हैं, और लास्ट में 3 है इसको हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, केवल यह देखना है जिस प्लेस पर डिजिट ना दिया हो उस प्लेस पर जीरो बैठाते हैं, और बाकी जो डिजिट दिया था उसको हम लिख देते हैं। समझ लिए, एक और देख लीजिए इसका। डी नंबर दिया हुआ है 8 × 100 + 0 × 10 + 5। अब देख रहे हैं 1 पे 00, 1 पे सिंगल 0, उसके बाद 0 नहीं है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू आ रहा है, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, वह डिजिट बैठाएंगे तो बराबर हो जाएगा। ये 8 है 8, इधर 0 है 0, और इधर 5 है 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ लिए, यदि कंटिन्यू आएगा तब, यदि कंटिन्यू नहीं आ रहा तो उसके जगह पर 0 बैठा देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है बड़ा और छोटा का साइन मारना है। ये आपको दिया हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ा है छोटा है या बराबर है, 3 साइन है, 3 साइन में से आपको साइन देना है। यहां देख रहे हैं हम 7 6 है, 10th place पर 7 है, 1st place पर 6 है, यहाँ 10th place पर 6 है, 1st place पर 7 है। तो 10th place, जब 2 place का संख्या रहता है उसका 10th place देखा जाता है कौन बड़ा है। तो हम देखते हैं 10th place पर यहाँ 6 है, यहाँ 10th place पर 7 है, तो बड़ा ये है, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ घुमा देंगे। अब देखिए 10th place पर मान लीजिए 10th place पर यही क्वेश्चन रहता, ये दोनों का 10th place देख रहे हैं 7 है, यहाँ भी 10th place 7 है, यहाँ भी 10th place 7 है। अभी जस्ट हम बताया 10th place पर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन अब तो इक्वल आ गया, अब क्या करेंगे। तो जब इक्वल आ जाता तब 1st place देखा जाता है, 10th place जब इक्वल हो तब 1st place देखेंगे, 1st place बड़ा किधर है, तो 1st place बड़ा इधर है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। समझ लिए, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी का। सी में आपको दिया है 98 98। अब बताइए दोनों तरफ बड़ा कौन है, इधर भी 98 उधर भी 98, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल का साइन मार देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिया है आपको 13 का ए नंबर में 26 162 216 62। अब कहता है ये सभी में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखिए ये 2 डिजिट वाला संख्या है, ये 2 डिजिट वाला संख्या है, और ये दोनों 3 3 डिजिट वाला संख्या था, ऑलरेडी 3 3 डिजिट वाला बड़ा होगा। अब वो 2 3 डिजिट में बड़ा कौन है, ये और ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में कि 100 3 डिजिट वाला है तो 100 प्लेस पर किसका बड़ा है, तो 100 प्लेस पर देख रहे हैं यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, इसको टिक मार देंगे। समझिए इसी प्रकार से पकड़ेंगे हम कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब चलिए स्मॉलेस्ट ठीक पूछेगा, इसी में स्मॉलेस्ट पूछ लेगा, स्मॉलेस्ट तो 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट होता है छोटा, ये दोनों छोटा है। अब ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, इसका 10th place पर 6 है, इसका 10th place पर 2 है, सबसे छोटा ये होगा।
यदि स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो वो होगा, समझ लिए? मतलब 13 14 दोनों सेम है, इसीलिए पहले बता दिए दोनों को एक मैच में। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, एमोंग द नंबर्स 405, 504, 450, 450 and 445 द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू डैश एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू डैश। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों पूछा गया है। नंबर है आपको 405, 504, 450 and 445। तो कहता है ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू डैश, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू डैश। दोनों जो भरना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढेंगे कौन सा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 400 वाला, ये भी 400 वाला, दो 400, ये तीन 400 वाला है, ये दो ठो है 500 वाला। 500 वाला ऑलरेडी बड़ा होगा, तो 500 में सबसे बड़ा कौन है? 504 है, 540 है, तो 540 सबसे बड़ा, 540 बैठाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में 400 वाला बड़ा होगा, सबसे छोटा 400 वाला होगा, तो 400 वाला में सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ 405, 450, 445, तो 405 सबसे छोटा है, तो 405 लिखेंगे स्मॉलेस्ट में, समझ लिए? इसी प्रकार से आपको ये 15 नंबर भी रिवाइज करना है। राइट द नंबर इन एन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। जैसे एक क्वेश्चन लिख दीजिए 104 14 410 140। बढ़ते क्रम, जैसे सीढ़ी पर हम एक पायदान पर चढ़े, फिर दूसरा पायदान पर चढ़े, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, वैसे संख्या में हम सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब है क्या, संख्या का जानकारी आपको होना जरूरी है, कि कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है, तब ना आप बैठा पाइएगा ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तीन डिजिट को छांट लेते हैं। तीन डिजिट में तीन ठो संख्या है, दो डिजिट में यही दो ठो है, तो सबसे छोटा तो यही दोनों में से कोई एक होगा। तो यहां है 41, यहां है 14, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 14 हुआ, तो 14 को पहले लिखेंगे, अब उसके बाद 41 लिखेंगे। दो डिजिट वाला कहानी खत्म हो गया, अब चलिए तीन डिजिट में चलते हैं। तीन डिजिट में चलते हैं तो 100 प्लस इसका 4, इसका 1, इसका 1, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे लास्ट में जाएगा। अब देखिए यहां 104, यहां 140, तो छोटा कौन है? 104 है, यहां बैठाएंगे 104, फिर 140 है तो 140, और लास्ट में बैठ जाएगा 410। ये हो गया आपका आंसर। इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, तीनों बोलते हैं। आरोही क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, समझ लिए? इसी प्रकार से अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी में मान लीजिए हमको डिसेंडिंग बैठाना है, ये तो अभी असेंडिंग बैठा दिए, इसी को डिसेंडिंग बैठाना है, तो सबसे बड़ा जो है वो पहले होगा 410, उससे उसके जस्ट बाद छोटा जो है ये 140, उसके बाद 104, उसके बाद 41, और सबसे छोटा लास्ट में। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं घटते क्रम, ठीक है? और मैथ के लैंग्वेज में इसका होता है अवरोही क्रम। बढ़ते क्रम को आरोही बोलते हैं, घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं, ठीक है? घटते क्रम हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ लिए? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18। ये क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट क्लास में भी आपको मिलेगा, ऊपर क्लास में बहुत अधिक क्लास में जाके मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। 18 का फर्स्ट ए नंबर दिया हुआ है 153। यह क्वेश्चन आपको क्लास 5 क्लास 6 तक में दिया हुआ है, इसीलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। राइट ऑल द थ्री डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट 153। अब 153 से आप तीन अंकों का कैठो संख्या बना सकते हैं, 153 से तीन अंकों का कैठो संख्या बना सकते हैं। देखिए पहले हम इसको बना सकते हैं 153, 135,
100 वाला पहले ले लिए, 100 से दो टो बन जाएगा, 300 से लेना है 315, फिर 351, ये दो बन सकता है 300 से। अब 500 से लेंगे 513 और 531, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, बराबर लिखेंगे 6 नंबर्स आंसर। समझ लिए, इसको अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट क्लास क्लास 3 में भी, क्लास 4 में भी, क्लास 5 में भी मिलेगा, इसीलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा रहेगा ये डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, ये डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, ये भी आएगा, ठीक है। तो इसको समझ लेना है कैसे बनाया जाता है, इसको बैठाने के लिए आप सीख लीजिएगा, आगे कोई भी क्लास में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, आज लीजिए अब आपका होमवर्क। आज आपका HW रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 टू नेक्स्ट ऑल। ये सभी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको बता दे यह पुनराभ्यास चैप्टर रिवाइज जैसे ही खत्म होगा आप लोग का ऑनलाइन एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट को कैसे देना है, जिस रोज टेस्ट का क्वेश्चन डालेंगे उस रोज आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। इसीलिए पुनराभ्यास चैप्टर को अच्छा से तैयारी कीजिए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ओके, थैंक यू।